पुरुषोत्तम रूपाला यू आर मिनिस्टर यू वांट टू स्पीक कितने मिनट गुजराती में बोलो कितना मिनट नो मिनिस्टर वांट्स यू एग्री ओके बाद में यस he can speak later only thing is that he should remember that he is minister when he speaks because he should not think that he is sitting on that side that's all okay now then see Mankad Ali Sri Mankad Ali tirisi shiva ko bula thank you sir माननीय उपसभापति जी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे किसानों की समस्या के संबंध में बोलने का मौका दिया और मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपनी पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जिन्होंने मुझे इस चर्चा में भाग लेने के लिए अधिकृत किया महोदय हमारे देश के किसानों को अन्नदाता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि वे हमारे देश के 1.25 करोड़ लोगों के लिए खाद्यान्न तिलहन दलहन तथा गुड़ चीनी सब्जी आदि का उत्पादन करते हैं जिस कारण किसानों की मेहनत के बिना हम एक दिन भी देश को आगे नहीं बढ़ा सकते लेकिन आज मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना है आज किसान कर्ज में डूबने के कारण फसल का उचित दाम ना मिलने के कारण बाढ़ बारिश और सूखे के प्रकोप के कारण हमारे देश में लगभग प्रतिवर्ष 12,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं और प्रतिदिन लगभग 10,000 किसान खेती का कार्य छोड़ रहे हैं मैं कहना चाहूँगा देश की केंद्र और राज्य की सरकारें किसानों के बारे में काफ़ी बड़ी बड़ी बातें काफ़ी बड़े बड़े काम करने के लुभावने वादे तथा बजट में उनके लिए अनेकों पूर्वाधान करने का डंका पीटते रहते हैं परंतु देश में खेती और किसानों से संबंधित जो भी वास्तविकता है वह अत्यंत दुखद और दर्दनाक है केंद्र और राज्य की सरकारों की हजारों घोषणाओं के आश्वासनों के बावजूद खेती किसानों की पसंद का पेशा नहीं रहा बल्कि एक मजबूरी का पेशा बन गया है वास्तव में खेती और किसानी घाटे का कारोबार जाने के कारण देश के करोड़ों किसान बैंकों और साहूकारों के कर्जदार होने के कारण कष्टदायी जीवन जीने के लिए मजबूर हैं उनमें से हजारों गरीब मझोले किसान कर्ज के अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं माननीय मोदी जी की सरकार ने ऐलान किया कि किसानों को उनकी फसल का 1.5 गुना मूल्य दिया जाएगा लेकिन 1.5 गुना की तो बात छोड़ो किसानों को उनकी लागत का भी मूल्य नहीं मिल पा रहा है मोदी जी ने कहा था कि भारत का किसान अन्नदाता होता है उसको हम आत्महत्या नहीं करने देंगे उन्हें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए हम अपनी सरकार में उन्हें किसी भी हालत में आत्महत्या नहीं करने देंगे आज लगभग 3 साल में भारी तादाद में किसानों ने आत्महत्या की है इतनी आत्महत्या की है कि आज़ादी से आज तक जितनी 3 सालों में हुई किसी सरकारों में नहीं हुई उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी सरकार ने उनके नुमाइंदों ने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद किसानों के सभी कर्जे माफ़ कर दिए जाएंगे सरकार बनने के बाद कर्जे माफ़ करने का ऐलान तो किया गया लेकिन अभी एक भी किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया गया और जिस तरीके का ऐलान किया गया है उससे तो ऐसा लगता है कि मुश्किल से 5% जो किसान है उनका छोटा मोटा फायदा होगा बाकी किसानों के साथ धोखेबाजी की गई है मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है केंद्र और राज्य की सरकारें किसानों की समस्या का हल निकालने में
क्यों विफल साबित हो रही हैं, बल्कि अब किसानों को उनकी उपज का वाजिब व लाभकारी मूल्य न मिलने के कारण किसानों की समस्याएं और भी ज़्यादा भयानक रूप धारण कर रही हैं। किसानों की सरकारी नीति व उदासीनता का विरोध करने पर किसानों को देश भर की वे गोली खानी पड़ रही है। इस प्रकार किसानों की समस्याओं को टाला तो जा सकता है, परंतु उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। सरकार के सरकारी दमन के कारण किसान अपने आप को लाचार व मजबूर समझने लगे हैं और खेती से मुंह मोड़कर अपना जीवन यापन करने के लिए एक मजदूर बनते जा रहे हैं। कुल मिलाकर नतीजा ये है कि खेती लाभ का पेशा नहीं रह गया, केवल धरती माँ से लगाव रखने वाले के कारण अपने आप को किसान कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मैं किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे भी मालूम है और पूरा देश जानता है कि 2011 में धान का मूल्य लगभग 4000 रुपये कुंटल था और जब मोदी जी की सरकार बनी तो 1100 और 1000 रुपये धान का मूल्य रहा। और इतना ही नहीं, चाहे दलहन हो या तिलहन हो या सब्जी हो, सबके मूल्य भी, चाहे गन्ना हो चाहे चीनी हो, जो किसान से संबंधित है, सबके मूल्य में गिरावट आई। और जिस कारण किसान यूपीए सरकार में से ज़्यादा एनडीए सरकार में आत्महत्या कर रहे हैं, जिसके कारण मैं कहना चाहूँगा केंद्र सरकार को बयानबाजी की बजाय किसानों के पक्ष में ठोस नीति बनानी चाहिए। उनको मिलने वाली बीज, खाद, पानी, बिजली आदि को सस्ता करना होगा। किसानों की फसल को सीधे मंडियों में विक्रय करने का प्रबंध करना होगा। बिचौलियों की व्यवस्था समाप्त करनी होगी। किसानों के एक बार हर प्रकार के कर्जों को माफ़ करने की व्यवस्था करनी होगी। गरीब, भुखमरी किसानों की समस्या का एक समाधान ये भी है कि खाली पड़ी हुई जमीन, सरकारी जमीनों को भूमिहीनों को ज़्यादा से ज़्यादा बांटने की राष्ट्रीय नीति बनाकर उस पर मुस्तैदी से, ईमानदारी से अमल करना होगा। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि हमारे एक साथी और बोल रहे हैं, हमारी पार्टी की तरफ से तो बेहतर होगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि किसान आज कितना बदकिस्मत है, भूखे की मार खाता है, बारिश की मार खाता है, ठंड की मार खाता है, घर में भूख की मार खाता है, और जब बाहर निकलता है तो लाठी गोली की मार खाता है। तो इसलिए मेरा सरकार से गुजारिश है कि झूठे वादे, राजनीतिक खोखले बहाने छोड़ दें और किसानों के हक में ठोस नीति और कदम उठाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्रफुल्ल।